नमस्ते जी, कैसे सब आप? मैं सुखविंदर राजपूत बात कर रहा हूँ, राजपूत जॉन से। आपके लिए लिख रहा हूँ 15 एकड़ की गेटेड सोसाइटी। ये ऐसे नहीं है कि कुराली रोड के एंड पे है, लुधियाना रोड के एंड पे जाकर है, शहर से 10-10 किलोमीटर दूर है। ये शहर के बीच में प्रोजेक्ट है, SAS नगर मोहाली प्रॉपर खरड़ बस स्टैंड के पास। इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का पार्क स्टेडियम है, म्युनिसिपल कमेटी का दफ्तर कचहरी है, सिविल हॉस्पिटल है, बस स्टैंड पास में है, जो फ्लाईओवर है वो चढ़ता उतरता पास में है। और ये हमारा जो लुधियाना हाईवे है, वहीं से हमारी जो अंदर की मेन एंट्रेंस रहेगी इस प्रोजेक्ट पे आने की। सामने बिल्कुल आपके ये हमारी मेन एंट्रेंस है, वहाँ से लेकर इसका फ्रंट बहुत अच्छा है, तो 57 शॉप्स आ जाती हैं 12x30 की, और 12x30 की पार्किंग आ जाती है शॉप्स के आगे। सामने हमारा पुराना प्रोजेक्ट है, 68 विलाज बना के बेचे हैं हमने। गेट नंबर 1 पे 34 है, 2 पे 34 है, गेट नंबर 1 पे भी 34 है, 2 पे भी, 7 में किसी और बिल्डर का 40 एकड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें 500 कोठी 2000 फ्लैट बना के उन्होंने बेचा हुआ है। हमारी लेफ्ट साइड पे बिल्डर तो ऐसा ही है वो, पर उसने 11 एकड़ की टाउनशिप काटी है, अभी तक पोजेशन तो नहीं मिली, पर 50% लोग रह रहे हैं, 50% अभी है। हर बिल्डर अच्छा नहीं है, हर बिल्डर टाइम से पोजेशन नहीं देता, तभी मैं आपको वीडियोस में भी सबसे पहले मैं आपको गुड विशेस देनी चाहता हूँ। जहाँ से सर्च करो आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले, आप मेरे पास आओ ना आओ वो कोई दिक्कत नहीं है। जो मेरा ये मेरी वीडियो देख रहा है, जो इस चैनल को देख रहा है, 4BHK स्पेनिश विला, ये हमारी ये वाली वीडियो देख रहा है, कोई सी भी प्लॉटिंग की विलास की, आप हमारे पास आओ ना आओ, आपने सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी मेहनत की कमाई लगानी है, आप अपने हिसाब से चलो, ना मेरे ना आपके रिश्तेदार के, ना आपके फ्रेंड के, ना हमारे बिल्डर के, ना किसी और बिल्डर के। 5-6 चीज़ें खुद चूज़ करो, आप विज़िट करो, उनमें से एक बेस्ट ऑप्शन चूज़ करो, वो आपके हाथ में है। यस नो आपके हाथ में है। आज के टाइम में प्रॉपर्टी जो है वो चंडीगढ़ मोहाली के बिल्कुल पास में, हर बंदा चाहता है कि रेंटल भी अच्छा हो, कॉलेजेस वगैरह, जैसे खरड़ का सिस्टम है अभी बहुत बढ़िया बना हुआ। अगर मेरी जॉब लग गई तो मोहाली चंडीगढ़ में अप डाउन कर लूँगा, अगर मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मेरी जॉब चंडीगढ़ तब भी चल जाता है। अगर मैं अभी यहाँ पे आना नहीं चाहता, कहीं आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तभी यहाँ पे रेंटल 40-40 हज़ार पे 4BHK विला की आ जाती है, चाहे वो 140 गज में हो, चाहे वो 100 गज में हो। ये है, यहाँ पे लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी, तभी एक रीसेल वैल्यू आपकी मतलब बढ़ती तो है ही है, पर जब मर्जी आप इन्वेस्टमेंट की हुई अपनी, जब मर्जी उसको सेल आउट कर सकते हो। बस अब आप अपने हिसाब से चलो। अब वो सामने डेवलप प्रोजेक्ट है, उसके साथ वाले का थोड़ा सा मैंने बता दिया, नहीं मैं वीडियो में ये भी बोल सकता था कि लेफ्ट पे प्रोजेक्ट है, बिल्डर ने टाउनशिप को कंप्लीट किया हुआ है, वो है नहीं है कंप्लीट, 50% है। इधर 500 कोठी बना के बेची हुई है दूसरे बिल्डर ने, बढ़िया काम है उनका भी। सामने हमारा, और ये बीच में 15 एकड़ की टाउनशिप, जिसका हमने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कॉरपोरेशन से लेआउट अप्रूव्ड करवाया है। 5 एकड़ का तो इसमें पार्क पार्क की है, बैक साइड पे रेन वाटर स्टोन वाटर सीवरेज सारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ अटैच है। जो हमारी गेट नंबर 1 है, एक ही है, एक ही गेट है, और इसी के साथ बाहर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का वाटर और सीवरेज अटैच रहेगा अपनी सोसाइटी में। लास्ट में एल शेप में पार्क है सोसाइटी का बना हुआ, पार्क 2.5 एकड़ है, उस पार्क में हमने प्लांट लगाया सीवरेज प्लांट, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ सीवरेज रेन वाटर स्टोन वाटर भी अटैच है। और हमने बैक साइड पे यहाँ पे जो प्रोजेक्ट में 2 1200 फिट के बोर कर रखे हैं सोसाइटी के हिसाब से, एक बोर और करेंगे क्योंकि यहाँ पे 385 के करीब प्लॉटिंग है, 56 शॉप्स हैं, अभी ग्राउंड प्लस 2 बंद हो गए हैं बिल्कुल ही, बिल्डर 90% फ्लैट्स का काम करते थे, इंडिपेंडेंट हाउस का बहुत कम करते थे, अभी 2 काम चलेंगे आने वाले टाइम में, या तो आपको ये इंडिपेंडेंट हाउस दिखेगा, नहीं फिर आपको स्टिल प्लस 3-4 जो फ्लैट होते हैं 150-150 गज के वो मिलेंगे। अभी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बहुत बढ़िया काम कर रही है, मेरा सल्यूट है, और
जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी नए प्रोजेक्टों पे, वो आप आंखें बंद करके कर सकते हो। ना तो डबल रजिस्ट्रियाँ होंगी। अगर लेआउट इसका पास है, सरकारी फीस गई हुई है, तब जाके आपका नक्शा पास होगा इंडिपेंडेंट हाउस का। उसके बाद अगर लेआउट पास है तब जाके रजिस्ट्री होगी, फिर नक्शे के बाद रजिस्ट्री हो जाती है। यहाँ पे 32,900 पर गज यहाँ पे प्राइस रहेगा, और 10 तारीख के बाद अप्रैल 10 अप्रैल के बाद 34,900 रुपये 35,000 रुपये पर गज हो जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, जो भी आपने वीडियो देखते हो, जो भी पुरानी वीडियोज़ है, वो 32,900 ही है सारी। नया प्राइस आने वाला है। अगर आपको इंडिपेंडेंट हाउस चाहिए, जैसे ये सामने बन रहे हैं हमारे, जो लोगों ने प्लॉट लिए उनकी कंस्ट्रक्शन भी चल रही है आसपास, तो वह आपको 65,00,000 रुपये का 110 गज में इंडिपेंडेंट हाउस मिल जाएगा 3 BHK। अगर 4 BHK चाहिए जो 75,00,000 रुपये में है। अगर आपका बजट थोड़ा सा और बढ़िया है तो आपको ग्रेटर मोहाली एयरपोर्ट रोड न्यू सनी इनक्लेव में स्पेनिश विला 4 BHK दिखा देंगे। जो मेरा चैनल को देख रहा है, वीडियो देख रहा है, इसको एक बार सब्सक्राइब करो, ना करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ओपन करके स्पेनिश विला की ऐड देख लेना। ज़्यादातर ये 2 वीडियोज़ ही मेरे इस चैनल पर अपडेट हो रही हैं, बाकी बड़े विलास भी हैं, बजट आपका अच्छा है वो भी मिल जाएंगे, 150 गज, 180 गज, 160 गज, और ये साइजेस मिल जाएंगे, 255 गज, 265 गज, ऐसा मिल जाएगा आपको। वो मोहाली में है सारा प्रोजेक्ट हमारे। ऐसा है कि अच्छा काम करो तो रिस्पांस भी अच्छा मिलता है। हर जगह की वीडियोस बनाई नहीं जा सकती, हर बिल्डर के साथ काम करा नहीं जा सकता। उसका रीज़न क्या है कि हमारे साथ तो होएगा ही, आपके साथ भी फ्रॉड होएगा। इसीलिए मेरे को 5वां साल है इस कंपनी में। पहले लुधियाना हाईवे पे प्रोजेक्ट था हमारा रॉयल सिटी 1, वो हमने फ्लैट विला शॉप्स शोरूम बना के बेची। अभी रॉयल सिटी 2 ये हमारा प्रोजेक्ट है। आप आओ, आपको यहाँ पे 15 साइजेज मिल जाएंगे, 95 गज, 75 गज, 108 गज, 100 गज, 122 गज, 115 गज, 137, 135, 138 गज, और 130 गज, 125, 127 गज, 150 गज, 200 गज, 250 गज, 300 गज, 400 गज प्लॉटिंग आपको मिल जाएगी। जो आपको जैसे मैंने बताया, थोड़ा बहुत डिस्काउंट कर लेंगे, जो मैंने रेट बताया 32,900 रुपये पर गज। अगर आपको यहाँ पे 140 गज की कोठी चाहिए तो आपको 89,00,000 रुपीज़ में मिल जाएगी। बाकी मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी दोबारा से, ज़्यादा से सर्च करो, आपको बेस्ट प्रॉपर्टी मिले। सारी ज़िंदगी की मेहनत की कमाई जमा पूंजी लगानी है, अपनी मर्जी करो, 5-6 जगह 10 जगह जितना आप घूम सकते हो घूम के, उनमें से कोई बेस्ट ऑप्शन चूज़ करो, प्लॉट के लिए, विले के लिए, जहां मर्जी लो। बस मेरी तरफ से गुड विशेज रहेंगी। मैं ऊपर वाले परमात्मा को अरदास करता हूं कि आपको जो मिले वो अच्छा मिले, हमारे पास चाहे कहीं पे भी, जब मर्जी आओ विज़िट करने के लिए। शहर के बीच की प्रॉपर्टी है, बहुत बढ़िया हमारी ये कॉलोनी है। आओ, मोस्ट वेलकम है जी।